सी दिस क्वेश्चन, ये गेट 19 में क्वेश्चन आया था पावर सिस्टम से, जो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसान है, इसको बहुत चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है, ये एक ट्रांसफार्मर जिसका रिएक्टेंस आपको दिया है 0.2, जनरेटर का जो है 0.25 है, यहाँ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है पैरेलल में 0.4 पे, और यहाँ इनफाइनाइट बस बार है जिसका वोल्टेज है 1 at an angle of 0, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि पावर जो डिलीवर हो रहा है अक्रॉस दिस पॉइंट, अक्रॉस दिस इनफाइनाइट बस इज 0.8 पर यूनिट एट 0.8 लैग, ये आपको दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि ये ईएमएफ जो है यहाँ पे जो जनरेटर है उसका डेल्टा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें बहुत सारा मेथड है, सबसे पहले आप ये देखो पावर जो है ना इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.8, इसको आप कर सकते हो V पर यूनिट I पर यूनिट इंटू कॉस फाई। अब देखो बहुत लोग मिस्टेक क्या करेंगे, पावर इन पर यूनिट में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 फेज पावर है, एक्चुअल में 3 फेज पावर नहीं है। अगर आप पर यूनिट में कोई डिफाइन करते हो तो पर फेज पावर ही होता है, ना कि 3 फेज, तो इसको हम पर फेज पावर में ही डिनोट करते हैं। पर यूनिट वैल्यू इज ऑलवेज डिफाइंड इन पर फेज नॉट 3 फेज। तो यहाँ आपको V टर्मिनल वोल्टेज आपको कितना है 1 at an angle of 0, तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो I पर यूनिट, आपको जो मिलेगा दैट इज 1 पर यूनिट, ठीक है। और इसकी जो एंगल होगी 0.8 लैंग बोल दिया, मतलब -36.86। तो एक बार हमको करंट मिल गया, उसके बाद क्या है, बस केवीएल तो लगाना है। एक्स इक्विवेलेंट आप निकालो, इसका आप एक्स इक्विवेलेंट निकालोगे तो 0.2 प्लस 0.2 और इसका 0.25, तो ओवरऑल आपका एक्स इक्विवेलेंट 0.65 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आपका आ जाएगा, दिस इज ईजी, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंस है जे 0.65 और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज 1 at an angle of 0 पे है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 per unit at an angle of -36.86। अब यहाँ से आप क्या करो, आप पावर सिस्टम में भी केवीएल अप्लाई करो या फिर जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो जो सिंक्रोनस मशीन में हम लोग पढ़ते हैं, उससे भी आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब ईएमएफ का एंगल कितना होगा वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम केवीएल लगाते हैं मेथड वन में, देखो केवीएल लगाओ, ईजी आपको मिल जाएगा फेजर में, दैट इज वीटी प्लस आईए इंटू एक्स, राइट। तो VT आपका 1 at an angle of 0 है, IA की वैल्यू 1 at an angle of -36.86 मल्टीप्लाइड बाई X की वैल्यू 0.65 हम लोग निकाल लिए, 0.65 at an angle of +90, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालोगे 1 at an angle of 0 प्लस 0.65 at an angle of 90 minus 36.86, कर दो 53 पॉइंट जो भी है, जो भी आप एंगल निकाल सकते हो यहाँ पे। तो जो EG की मैग्नीट्यूड आएगी कुछ, और उसके बाद कुछ उसके साथ एंगल आएगा, वो एंगल आप इजिली कैलकुलेटर से फाइंड करके लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 20.51। तो यही तो है हमारा डेल्टा, तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है डेल्टा, जो आंसर होगा डेल्टा इज इक्वल टू 20.51। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हमें साइंटिफिक कैलसी यूज़ नहीं है, हमारा साइंटिफिक कैलसी नहीं है, तो हम कैसे निकाले। तो आप यहाँ से फेजर डायग्राम बना सकते हो, देखो अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो इस जगह पे क्या करो, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज VT, और यहाँ से आपका ये एंगल आ रहा है कितना, आइए आ रहे यहाँ पे -36, इस टाइप का कुछ आएगा। तो फाइनली आपका ये कुछ ऐसा EMF का इक्वेशन फेजर डायग्राम बनेगा, दिस इज ई एंड दिस इज आई ए एक्स, और ये एंगल आपका 53.13 आएगा। ये आप फेजर डायग्राम एक बार बना लिए, आपको यही तो डेल्टा निकालना है। तो टेन डेल्टा आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज आई ए इंटू एक्स अपॉन टर्मिनल वोल्टेज आई ए इंटू एक्स इंटू साइन 53.13 आएगा, और वी टी प्लस आई ए इंटू एक्स इंटू कॉस 53.13। तो यहाँ से भी आपको डेल्टा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 20.51। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप जा सकते हो, अगर सिंक्रोनस मशीन पढ़े होगे तो वहाँ पे फेजर डायग्राम जो ईएमएफ इक्वेशन लिखने के बाद जो हम बनाते थे वो यही था। तो अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं आपको ध्यान में है तो आप फेजर डायग्राम बनाओ, और एक आप यहाँ पे टेन डेल्टा का फॉर्मूला लगाकर डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 20.51। तो ये पावर सिस्टम का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो गेट 19 में पूछा था। अब और क्वेश्चन देखते हैं पावर सिस्टम में और क्या क्या आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।